Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 18th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Duchenne muscular dystrophy. तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा अजीब सा नाम है कि आप देखेंगे ये Duchenne muscular dystrophy क्या है। तो ये muscular से related है, यानी कि muscles से related है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो team of doctors हैं तमिलनाडु से और scientists जापान से, उन्होंने develop किया है एक disease जो modify करेगा treatment for Duchenne muscular dystrophies, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, आइए। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड है ग्रोइंग मसल डीजनरेशन एंड वीकनेस। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब कि आप देखोगे जीन्स में किसी के है तो फिर वो, मतलब अगर पेरेंट्स में है वो बच्चों में आएगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पे मसल जो है वो डीजनरेट हो जाता है और कमजोरी वीकनेस देखने को मिल जाएगा। इसका कारण क्या है? तो ये होता है ड्यू टू द डीएमडी जीन फेलिंग टू प्रोड्यूस एनी फंक्शनल डिस्ट्रोफिन, ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस जो कि डिस्ट्रोफिन जीन में आपको देखने को मिलेगा जो कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ऑनसेट में आप देखोगे तो ये जनरली अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिल जाएगा जो कि बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 3 है और टिपिकली ये बॉयज को अफेक्ट करने के लिए जाना जाता है। डायग्नोसिस में आप देखोगे तो ये थॉरो क्लिनिकल असेसमेंट है जो कि कंप्लीट रिव्यू करता है पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री का, साथ साथ में नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट टेस्टिंग है जैसे कि जेनेटिक टेस्ट वगैरह, जिसको इस्तेमाल डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट में आप देखोगे तो करेंटली जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं वो है जीन थेरेपी, एक्सॉन स्किपिंग और डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम कर लेते हैं महिलाएं क्यों अफेक्टेड होती हैं रेयरली इस बीमारी से। तो रोल ऑफ मदर के बारे में हम देख लेते हैं। विमेन जो हैं वो यूजुअली कैरियर्स हैं जेनेटिक ट्रेट का और वो अवेयर नहीं होती हैं कि वो एक म्यूटेशन को कैरी कर रही हैं अंटिल कि वो अफेक्ट उनका बेटा उसे ना हो जाए। एक कैरियर जो है मदर के, मतलब बेटे तक में, वो आप देखोगे 50% पॉसिबिलिटी है कि वो इनहेरिट कर सकता है डिफेक्टिव जीन। साथ साथ में देखोगे डॉटर जो है उसके पास में भी 50% चांस है कैरी करने का, दो हेल्दी कॉपीज में 50% चांस, मतलब दोनों में ही वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में पिता का रोल आप देखोगे तो अनअफेक्टेड फादर जो है वो आइदर ट्रांसमिट कर सकते हैं नॉर्मल एक्स अपनी पुत्री को और साथ साथ में नॉर्मल वाई अपने पुत्र को। वहीं आप देखोगे अफेक्टेड फादर जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये आपको बहुत टेक्निकल सा जरूर लग रहा होगा, इतना टेक्निकल आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि डिस्ट्रोफिन क्या है। तो एक प्रोटीन है जो मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मसल सेल्स में और साथ साथ में ये सब्जेक्ट है म्यूटेशंस के। म्यूटेशंस मतलब कि कहीं ना कहीं ये आइदर आपको इनहेरिट फॉर्म में देखने को मिल जाएगा या फिर स्पॉन्टेनियसली अचानक से बढ़ जाएगा जर्म लाइन ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है एस्पार्टम, ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखा है इसके ऊपर शॉर्ट्स के फॉर्म में। असेसमेंट्स जो है हेल्थ इंपैक्ट्स का, नॉन शुगर स्वीटनर एस्पार्टम उसको रिलीज किया गया है बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो कि WHO का पार्ट है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी है फूड एडिटिव्स का। चलिए डिस्कवरी इसका देखें तो डिस्कवर किया गया 1965 बाय अमेरिकन केमिस्ट जेम्स स्क्लैटर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है। अप्रूवल आप देखोगे तो US का ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है 1974 में ये अप्रूवल देता है जिसका इस्तेमाल अलग अलग फूड और बेवरेज प्रोडक्ट्स में किया जाता है। ये पॉपुलैरिटी गेन करता है क्योंकि जीरो कैलोरीज है और इसमें जो मतलब टेस्ट है वो बिटर है आफ्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे इस्तेमाल तो ये फ्लेवर करने के लिए है बेक्ड और केन्ड फूड्स में, पाउडर्ड ड्रिंक मिक्सेस में, कैंडी और पडिंग्स में, इन सभी में। बाकी इस्तेमाल आप देखोगे तो डाइट ड्रिंक्स में स्वीटनिंग एजेंट का काम करना, चीविंग गम में, जेलेटिन में, आइसक्रीम में, डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि योगर्ट, ब्रेकफास्ट सीरियल, टूथपेस्ट और मेडिकेशंस जैसे कि कफ ड्रॉप्स और च्यूएबल विटामिंस। आप लैक ऑफ, अब की पॉइंट्स हम देखेंगे तो लैक ऑफ क्लैरिटी क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया है कि एस्पार्टम स्वीटनर जो है वो पॉसिबल एक कार्सिनोजन हो सकता है इस रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन कई बार आप देखोगे तो इसका कोई कन्विंसिंग हार्म भी नहीं प्रूव हो पा रहा है। तो बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा कि नहीं, शुगर्स का इस्तेमाल जो नहीं मतलब करना चाहते वो इसके तरफ रुझान करते हैं और क्योंकि हमने देखा कि ये हर जगह पे है तो मुश्किल है कि इसको एलिमिनेट कर पाना। फिर सेफ्टी लिमिट की बात कर लेते हैं तो ये रिमेन रहता है सेफ टू बी कंज्यूम्ड इन अग्रीड क्वांटिटीज, जहां आप देखोगे ये रेकमेंड करता है कंजम्पशन लेवल्स ऑफ एस्पार्टम बिलो 40 mg/kg/day। नेक्स्ट, यहां पे फर्दर रिसर्च जो है वो रिक्वायर्ड है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सेफ्टी एक मेजर कंसर्न नहीं है इन डोजेस में और आप देखोगे तो पोटेंशियली ये बेटर स्टडी से और ज्यादा पता चल सकता है। लिमिटेड एविडेंस है क्योंकि बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है कि कार्सिनोजेनिक है कि नहीं है, उस पर ऑलरेडी काफी रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक इराक में। भारतीय गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि ऑपरेशंस को वो रिज्यूम कर सकें, स्टेट रन जो ONGC है विदेश लिमिटेड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक इराक में जो कि अंडर फोर्स है सिंस 2003। लोकेशन आप देखोगे तो इराक में लोकेटेड है जो कि वेस्टर्न एशिया का पार्ट है इराक और इसका कैपिटल जो है और ये लार्जेस्ट सिटी भी है इराक का जो कि बगदाद है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज आप देखेंगे मोसूल है, अल बसरा है, किरकुक है और अल नजफ है।
बॉर्डर्स आप देखेंगे तो टर्की के साथ है, ईरान के साथ में है, पर्शियन गल्फ एंड कुवैत, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है और सीरिया है, इन सभी के साथ में बॉर्डर ये शेयर करता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इराक का मेसोपोटामियन एलुवियल प्लेन का पार्ट है और नॉर्थ वेस्टर्न एंड जो जागरोस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे और सीरियन डेजर्ट है इसके ईस्ट में। चलिए रिवर्स आप देखेंगे तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस ये दो रिवर्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ में जाकर के मिल जाते हैं। क्लाइमेट जो है वो हॉट और एरिड है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लेंगे दैट इज कांवर यात्रा। तो जो कांवर यात्रा है वो बिगिन होता है फर्स्ट डे ऑफ श्रावण और फिनिश होता है चतुर्दशी तिथि यानी कि 14th डे ड्यूरिंग द वेनिंग फेज ऑफ द लूनर साइकिल। कांवर यात्रा एक एनुअल पिलग्रिमेज है डिवोटीज का लॉर्ड शिवा का जो कि मतलब हिंदू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माने जाते हैं। साथ साथ आप देखोगे तो ये यात्रा जो है वो अपने कांवर यानी कि एक बैम्बू का पोल होता है जो कहीं ना कहीं कंटेन करता है होली वाटर गंगा जल। साथ साथ आप देखोगे ये टाइड होता है अपोजिट एंड्स अलग अलग एंड्स पे ये टाइड होता है ठीक है। इसी के साथ इसको कवर्ड भी बोलते हैं। ये यात्रा जो है वो सेवरल डेज तक चलता है बेयर फिट मतलब लोग पैरों में कुछ पहनते नहीं है टू अपीज द चप्पल वगैरह नहीं होता है उस भगवान को मतलब आराधना के लिए। रिलीजियस सिग्निफिकेंस में आप देखेंगे तो ये चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क से जुड़ा हुआ है समुद्र मंथन पुराणों के हिसाब से। ड्यूरेशन आप देखेंगे तो ये श्रावण महीने तक चलता है कि एक बार पिलग्रिम जो है वो डेस्टिनेशन तक जाए गंगा से जल उठाए और फिर भगवान शिव का जो लिंग है उनको नहलाएगा ऑन द 13th डे यानी कि त्रयोदशी श्रावण मंथ में जिसको सावन शिवरात्रि भी कहते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमने देख लिया है इसका सारा पॉइंट्स। साथ साथ में ये हमारा ओवरऑल था डेली करंट अफेयर्स का। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और प्लीज करंट अफेयर्स को सिंसियरली फॉलो करते रहिए ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।